एक बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पुलिस पर हमला हुआ है। हमले में 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पुलिस पर हमला हुआ है। हमले में 12 पुलिसकर्मी घायल, यह हरियाणा पुलिस का कहना है। पत्थर और लाठी से हमला किया गया, ये हरियाणा पुलिस का कहना है। 12 पुलिसकर्मी घायल हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहित, कौन लोग हैं जिन्होंने ये हमला किया, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, हरियाणा पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की गई है और उसमें बताया गया है कि पराली पर मिर्च डालकर आग लगाई गई और वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और हरियाणा पुलिस के जवान थे उनको घेर लिया गया। उन पर लाठी डंडों गंडासों से हमला किया गया है जिसमें 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और ये हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा गया है कि किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रवी लगातार उपद्रव कर रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं और संयम से लोग काम लें, संयम के साथ अपना आंदोलन जारी रखें। ये अपील हरियाणा पुलिस के द्वारा की गई है और पूरी घटना की जानकारी शेयर की गई है। ये जगह वही पर है जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, दो मुख्य पॉइंट्स है, एक तो शंभू बॉर्डर और एक दूसरा बॉर्डर है खनौरी बॉर्डर जो कि जींद नरवाना से पंजाब के पटियाला को कनेक्ट करता है। हाँ। तो वहां पर ये टकराव की स्थिति लगातार सुबह से ही बनी हुई है। वहां पर भी किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो अंदर पंजाब की सीमा से हरियाणा की सीमा में दाखिल हो सके और उसी के चलते टकराव की स्थिति बन रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहित।